बच्चों आप सब कैसे हैं मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है जैसा कि आप जानते हैं पहले भाग में हमने अठारह के विद्रोह की पृष्ठभूमि और इस विद्रोह का प्रसार उत्तर भारत में किस प्रकार हुआ इन सब के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा की अब जनता का नज़रिया अंग्रेजी शासन को लेकर क्या था इसे हम दो स्रोतों के माध्यम से समझ सकते हैं अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ये स्रोत क्या थे और इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो मैं आपको बता दूं ये स्रोत प्राथमिक स्रोत हैं जिन्हें उस समय के लोगों द्वारा संस्मरण के रूप में लिखा गया और अब इन्हें आपकी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है पहला स्रोत चौरासी नियमों की सूची के अंतर्गत विष्णु भट्ट और सिपाहियों के बीच का वार्तालाप है दूसरे स्रोत के पात्र सीताराम पांडे अंग्रेजी सेना के सिपाही जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद अपने संस्मरण लिखे आप इन संस्मरणों का अध्ययन कर मेरे प्रश्न का जवाब देंगे और मेरा प्रश्न ये है कि विष्णु भट्ट और सीताराम पांडे के अनुसार लोगों के दिमाग की मुख्य चिंताएं कौन सी थीं तो चलिए आज के दूसरे और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार कंपनी ने संपूर्ण उत्तर भारत में फैले इस विद्रोह का दमन किया और भविष्य में भारतीय राज्य रजवाड़े जनता और जमींदार आदि के लिए क्या नियम बनाए गए और साथ ही विभिन्न इतिहासकारों द्वारा अट्ठारह के विद्रोह की प्रकृति और स्वरूप संबंधी क्या मत दिए जब उत्तर भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध शुरू हुई इस लड़ाई में देसी राज्यों रजवाड़ों जमींदारों जनता और किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो इससे अंग्रेजी सेना कमज़ोर पड़ने लगी लेकिन इस उथल पुथल के बावजूद कंपनी ने हार नहीं मानी और ब्रिटिश फ़ौज ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया और विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनेक प्रकार के नियम भी बनाए गए इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने जॉन निकल्सन और विलियम हर्सन के नेतृत्व में एक सेना दिल्ली भेजी जिन्होंने सर्वप्रथम 20 सितंबर अट्ठारह को एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया क्योंकि दिल्ली ही विद्रोहियों की एकमात्र आशा थी तो दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार होते ही विद्रोह की कमर टूट गई और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा भी दी गई अक्टूबर अट्ठारह को बहादुर शाह को उनकी पत्नी जीनत महल के साथ हमेशा के लिए रंगून जेल भेज दिया गया इसी जेल में अठारह में इनकी मृत्यु भी हो गई लेकिन सिर्फ दिल्ली पर अधिकार करने से विद्रोह अभी शांत नहीं हुआ था सर कॉलिन कैंपबेल ने दिसंबर अठारह में कानपुर पर अधिकार कर लिया कानपुर में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर नाना साहेब नेपाल चले गए मार्च अठारह में सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर कब्जा कर लिया लखनऊ पर अधिकार करने के बाद कैंप बेल ने बरेली और फैजाबाद को भी अपने कब्जे में ले लिया इधर झांसी की रानी कर्नल यूरोज के साथ युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए जून अठारह में वीरगति को प्राप्त हुई इसी प्रकार रानी अवंतीबाई अंग्रेजी फौज से लड़ते हुए शहीद हो गई जनरल यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है इसी बीच तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में किसानों और आदिवासियों की सहायता से अंग्रेजों के साथ अप्रैल अठारह तक छापामार युद्ध करते रहे लेकिन एक जमींदार द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण वो अंग्रेजों द्वारा मारे गए अब अट्ठारह से अठारह के मध्य क्रांति से संबंधित घटनाओं के घटनाक्रम को हम एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं तो पहले सितंबर अट्ठारह में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार किया तो वहीं दिसंबर अठारह में अंग्रेज़ों ने कानपुर पर अधिकार किया मार्च अट्ठारह में अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर अधिकार किया जून अट्ठारह में रानी लक्ष्मीबाई रणभूमि में शहीद हो गईं। अठारह में अंग्रेज़ों ने तात्या टोपे की हत्या कर दी और अठारह में रंगून जेल में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई अंग्रेज़ों ने शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया उन्होंने जमींदारों को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाया भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान किया एक ऑडियो के माध्यम से हम अंग्रेज़ों की मंशा को समझने का प्रयास करते हैं अंग्रेजों ने किसानों के संग्राम में कुछ चापलूस जमींदारों का सहारा लिया well, हम आपको आपकी जमीनें वापस कर देंगे तो लेकिन एक शर्त है आप लोगों को विद्रोहियों का साथ छोड़ना होगा अब आप भी हमारा इस रिवोल्ट को खत्म करने में साथ दें। ठीक है अगर आप हमारी ज़मीनें लौटाते हैं तो हम विद्रोही किसानों और सिपाहियों का साथ नहीं देंगे हाँ, थीक, आज से हम आपके साथ हैं बहुत अच्छा तो कुछ समझ में आया बच्चों इसके बावजूद अनेक राजाओं सिपाहियों और विद्रोहियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा दी गई इस प्रकार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जीत हुई अब हम मानचित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे कि, कि किस प्रकार अंग्रेजी सेना ने विद्रोह के केंद्रों पर अपना अधिकार किया सर्वप्रथम दिल्ली पर जॉन निकेलसन और विलियम हर्सन ने अधिकार किया कानपुर और लखनऊ पर सर कॉलिन कैंपबेल ने तो झांसी में जनरल यूरोज ने विद्रोह का दमन किया बरेली और फैजाबाद पर भी सर कॉलिन कैंपबेल ने अपना अधिकार किया अब पुनः अंग्रेज़ों ने इस देश पर नियंत्रण पा लिया लेकिन अब अंग्रेजों को ये विश्वास हो चुका था कि पुरानी नीतियों के सहारे इस देश को नहीं चलाया जा सकता तो अंग्रेज़ों द्वारा किए गए परिवर्तन इस प्रकार हैं ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम अठारह के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए जिससे भारत का शासन बेहतर तरीके से चलाया जा सके ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था अब भारत के शासन संबंधी मामले भारत मंत्री को सौंप दिए इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वाईस राय की उपाधि दी गई और उसे क्राउन का प्रतिनिधि घोषित किया गया इस प्रकार अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे सीधे अपने हाथों में ले ली लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वॉयस राय बने देश के शासकों को उनके अधिकार पुनः लौटा दिए गए जैसे भूमि संबंधी अधिकार राज्यों के वंशज संबंधी अधिकार और गोद लेने की प्रथा आदि ब्रिटिश सरकार उनके राज्यों के आंतरिक मामलों में अब हस्तक्षेप नहीं करेगी ये भरोसा भी देशी राज्यों को दिलाया गया इस प्रकार भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया अवध बिहार मध्य भारत के सैनिकों के स्थान पर अब सेना में गोरखा शिख और पठान सैनिकों को भर्ती किए जाएंगे अंग्रेजी सरकार अब भारतीय सामाजिक धर्म और परंपराओं का सम्मान करेगी मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि सरकार का मानना था कि विद्रोह मुसलमानों ने शुरू किया भूस्वामियों और जमींदारों की जमीन की रक्षा हेतु तो नई नीतियां बनाई गईं। इस प्रकार अट्ठारह के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ अब बात करते हैं अठारह के विद्रोह की प्रकृति और स्वरूप की कुछ इतिहासकार इस घटनाक्रम को यानी कि अठारह के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह कहते हैं वहीं कुछ इतिहासकार इसे हिंदू और मुस्लिम का ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध कहते हैं कुछ इतिहासकारों ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध कहा है परंतु 20वीं शताब्दी के इतिहास लेखन में इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा गया जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी 1857 की यह क्रांति दो सभ्यताओं के बीच का टकराव थी ऐसा टकराव था जिसके कारण समाज के सभी वर्गों में ब्रिटिश कंपनी राज के खिलाफ विद्रोह फैला भारतीयों के मन में ये भावना घर कर चुकी थी कि ब्रिटिश राज भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अंत करके ही दम लेगा इन्हीं भावनाओं के कारण भारतीयों के मन में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की लहर दौड़ गई और इसी लहर को भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है इसी समय राष्ट्रवादी विचारधारा भी कला और साहित्य के माध्यम से लोगों के सम्मुख मुखर हो रही थी जिन्होंने अट्ठारह के विद्रोह के नायकों को मातृभूमि के लिए लड़ने वाले सूरवीरों की संज्ञा दी देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी झांसी वाली रानी थी वो झांसी वाली रानी थी जो अन्याय और विदेशी शासन की विरोधी थी तो बच्चों आज के इस भाग में हमने यह जाना कि कैसे अंग्रेजों ने भारत के दिल्ली लखनऊ कानपुर झांसी आदि स्थानों पर विद्रोह का दमन कर एवं उससे जुड़े नेताओं का दमन कर भारत में पुनः ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थापना की साथ ही हमने भारत शासन अधिनियम अठारह के मुख्य बिंदुओं की भी चर्चा की और इसी अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गया और अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में परिवर्तन कर भारतीय जनता और देशी राज्यों को थोड़ी राहत दी तो चलिए आज के ग्रहकारी की तरफ बढ़ते हैं मेरा पहला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करें और आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं दूसरा प्रश्न खुर्दा संग्राम केस स्टडी के अंतर्गत पाइक कौन थे और उनकी समस्याएं क्या थी खुर्दा केस स्टडी को आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है आप मेरे पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न इन दोनों पर प्रोजेक्ट वर्क और परियोजना कार्य बनाकर अपने शिक्षक को दिखा सकते हैं अब मेरा तीसरा प्रश्न अठारह की क्रांति के परिणामों की व्याख्या करें चौथा और अंतिम प्रश्न अट्ठारह की क्रांति से संबंधित स्थानों को राजनैतिक मानचित्र पर अंकित करें इसमें दिल्ली लखनऊ कानपुर बरेली और झांसी इन स्थानों को मानचित्र पर अंकित करने के बाद अपने शिक्षक को दिखाएं। धन्यवाद